बजमिल्ल असलम डे डायरी विद आमना में मैं हूँ आपके साथ आमना आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चने और चावल की रेसिपी आज ज़ीरे वाले चावल और चने बनाएंगे इसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं जिसमें सबसे पहले ऑयल हम ऐड करेंगे पतीले के अंदर हम ऑयल हाफ़ कप ऑयल डाल लेंगे हाफ कप ऑयल को मैंने नीचे यानी चूल्हे का ऑन किया हुआ है फ्लेम हाफ कप ऑयल डालने के बाद उसको गर्म होने तक हम इसमें एक चम्मच ज़ीरा डाल देंगे ज़ीरे को अच्छी तरह से भून लेना है ऑयल के अंदर इससे ज़ीरे की खुशबू भी आएगी और ज़ीरे का जो है एक टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और इसमें तीन मैंने सबज़ मिर्च ऐड किया है सब्ज़ मिर्च इसलिए ऐड किया है कि इनकी खुशबू बहुत मज़े की होती है जब वाइट चावलों में हम ऐड करते हैं अब इसमें एक किलो चावल में मैंने दो किलो पानी ऐड किया दो किलो पानी ऐड करने के बाद जो है इसके अंदर आ, दो अदद में दारचीनी ऐड करूँगी दो अदद दा, दारचीनी के टुकड़े ऐड करने में ये होगा कि एक तो खुशबू अच्छी आएगी मुख्तलिफ़ और इसमें थोड़ी सी कलवंजी चुटकी भर ऐड करनी है इससे हमारी रेस जो है हमारे चावल बहुत मज़े के होंगे अब चावलों को पानी को उबाल आ रहा है देखिए और इसको एक मिनट तक पकते रहने देना है पानी को इससे पानी के जो बॉयल उबाल आ रहा होता है ना तो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है अब चावलों को अच्छी तरह से खुशक पानी खुशक करके चावलों को ऐड करेंगे हम चावलों को ऐड करने में साथ साथ आपने जो है पानी को खुशक कर लेना है एक खूबसूरत बात भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप खाना बनाएं तो साथ में अल्लाह ताला का जिक्र किया करें सुबह अल्लाह अल्लाह अकबर ये यहाँ आप दरुद पाक भी पढ़ सकते हैं बहुत खूबसूरत बातें हैं और इससे एक तो खाने में बरकत होती है और दूसरा है खाना बहुत अच्छा बनता है और जल्दी बनता है ये देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है चावलों की चावल जो हैं वो नम तक पहुँचने वाले हैं अब हम इसको अच्छी तरह से हिलाने के बाद फिर मैंने रख दिया अब ये नम पर पहुँच गए हैं चावल नम देखिए कितनी ख़ूबसूरत आवाज़ कितनी ख़ूबसूरत खुशबू आ रही है चावलों की खुशबू बहुत ख़ूबसूरत आ रही है खुशबू भी मज़े की है और लुकिंग भी बड़ी मज़े की हो रही है देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ख़ूबसूरत है अब इसको नम दे दिया मैंने तकरीबन पाँच मिनट तक नम रखूँगी अभी इधर मैंने चने बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए उनमें लहसुन अदरक का पेस्ट सब्ब मिर्च टमाटर प्याज और सब रेड मिर्च कलवंजी नमक हल्दी ज़ीरा और पानी और धनिया और चने जो कि मैंने भिगोए हुए थे पहले से ही और हाफ़ कप ऑयल इन सारी चीज़ों को जो है मैंने अच्छी तरह से धो के फिर कट करके रख लिया है अब सबसे पहले मैं प्रेशर में प्रेशर कुकर के अंदर चने ऐड करूँगी चने के ऐड करने के बाद इसमें पानी ऐड करना है दो से तीन गिलास पानी के दो गिलास आप कर सकते हैं ऐड दो गिलास पानी को अच्छी तरह से चने घल जाएंगे हमारे इसके अंदर मैंने प्याज टमाटर सब्ज मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट सब कुछ है अच्छी तरह से ऐड कर दिया है आपने चीज़ें ऐड करते वक्त अपना बर्तन अच्छी तरह से साफ कर लेना है देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है ना सारी चीज़ों का अल्लाह ताला की खूबसूरत खूबसूरत नीमते हैं जिनको हम देखते हुए थकते नहीं हैं अब देखिए मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया अब ट्वेंटी मिनट तक इसको लगाया अब और इस तरह लुकिंग देखे कितनी खूबसूरत आ गई है माशाल्लाह अच्छी तरह से चने गल चुके हैं उधर मेरे चावल पक रहे हैं और चावल भी तकरीबन नम पे आ चुके हैं और साथ में चने भी बन चुके हैं तकरीबन कंप्लीट गल चुके हैं चने अच्छी तरह से मैंने चम्मच को हिला दिया है और यहाँ देखिए खूबसूरत चने और चावलों की डिश तैयार है आज की रेसिपी बहुत मज़े की थी टेस्ट में भी और देखने में भी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब